14 लाख की है जी, तो सब्सिडी जो देवे सरकार मदद करे तो फायदा हो जाता है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में सीएम पद पर फंसे पेच के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार किंग मेकर बनते दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के बाद एनसीपी के खेमे में सबसे ज्यादा 54 सीटें आई। ऐसे में महाराष्ट्र के मुद्दे पर सोनिया गांधी और शरद पवार की बैठक हुई। खबर है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शरद पवार शिवसेना को ढाई ढाई साल के लिए सीएम पद का ऑफर दे सकते हैं, यानी 5 साल में 2.5 साल एनसीपी का और अगले 2.5 साल शिवसेना का सीएम हो सकता है। बताया यह भी गया कि सोनिया गांधी ने शरद पवार से साफ कहा कि ऐसा करने के लिए शिवसेना को पहले एनडीए से गठबंधन तोड़ने की घोषणा करनी होगी। साथ ही शर्त यह भी रखी गई है कि अगर शिवसेना एनसीपी सरकार बनाती है तो विवादित मुद्दों पर शिवसेना बेवजह की बयानबाजी न करे, इसकी जिम्मेदारी भी शरद पवार को लेनी होगी। अब शरद पवार इन सभी बातों पर शिवसेना से चर्चा करने के बाद सोनिया गांधी से फिर मुलाकात करेंगे। दिल्ली में ऑड इवन की शुरुआत के साथ ही इस पर सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया। बीजेपी नेता विजय गोयल ने ऑड इवन के पहले ही दिन नियमों का उल्लंघन करके केजरीवाल सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इस पर दिल्ली सरकार भी उन्हें जवाब देने में पीछे नहीं रही और इस तरह दिल्ली में ऑड इवन का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। बीजेपी नेता विजय गोयल इवन वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ी लेकर सड़कों पर उतर गए। देख रहे हैं विजय गोयल जो है वो यहाँ से ड्राइव करते हुए निकल रहे हैं अपनी ऑड नंबर गाड़ी के साथ। उनका कहना है सांकेतिक प्रोटेस्ट है और यहाँ से निकलते हुए ये आईटीओ तक यहाँ पर जाएंगे। विजय गोयल ऑड नंबर की गाड़ी लेकर सड़कों पर उतरे तो ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने पर उनका 4,000 रुपए का चालान भी काटा गया। विजय गोयल ने यह चालान जानबूझकर कटवाया ताकि वो दिल्ली सरकार की ऑड इवन योजना के खिलाफ विरोध दर्ज करा सके। मेरा जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ है कि उन्होंने 5 साल तक प्रदूषण पे कुछ काम नहीं किया। ऑड इवन के बहाने विजय गोयल ने सीएम केजरीवाल को घेरा तो दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी उन्हें जवाब देने के लिए उनके घर पहुंच गए, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस दौरान कैलाश गहलोत और विजय गोयल के बीच जमकर बहस हुई। विजय गोयल ने ऑड इवन को दिल्ली सरकार का नाटक बताया, जिसके जवाब में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत फूलों का गुलदस्ता लेकर विजय गोयल के घर पहुंच गए। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया। कैलाश गहलोत ने ऑड इवन का विरोध कर रहे विजय गोयल को मनाने की भी कोशिश की, हालांकि इस मुद्दे पर दोनों की बहस हो गई। ऑड इवन में आप पूरा हिस्सा नहीं, मैंने तो बता दी आपको, मेरी तो सांकेतिक प्रोटेस्ट थी। मैं आप ऑड इवन करिए, पर ऐसा नहीं सबको छूट देने के बाद ऑड इवन से फायदा नहीं होगा। विजय गोयल ने कैलाश गहलोत के सामने ही ऑड इवन फॉर्मूले को दिल्ली सरकार की नौटंकी करार दिया। अगर पराली का ही दोष है तो फिर ऑड इवन से क्या फायदा, ये सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ। काफी बहस के बाद कैलाश गहलोत विजय गोयल के घर से निकल गए, हालांकि उन्होंने ऑड इवन पर विजय गोयल के आरोपों को सिरे से नकार दिया। ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उसमें जितने कम वाहन सड़क पे रहेंगे उतने ही कम पोल्यूशन होगा। दिल्ली में ऑड इवन पर पूरे दिन चले घमासान के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी इस पर सफाई दी गई। उन्होंने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए ऑड इवन को जरूरी बताया और इसके विरोध करने पर बीजेपी नेता विजय गोयल को भी निशाने पर ले लिया। विजय गोयल जी दिल्ली के लोगों के खिलाफ क्यों काम करना चाहते हैं? विजय गोयल जी दिल्ली के लोगों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? विजय गोयल जी को भी साथ देना चाहिए। आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर कांग्रेस का भी साथ मिला। कांग्रेस ने विजय गोयल के विरोध को पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। सर, कुछ लोगों को मीडिया में बने रहने की आदत होती है, मैं उनका बयान उसी तरह देखता हूँ। दिल्ली सरकार की दलील है कि ऑड इवन से राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों का बोझ कम होगा और गाड़ियों का बोझ कम होने से प्रदूषण में कमी आएगी, हालांकि बीजेपी इसका विरोध कर रही है। दिल्ली की जनता सहयोग कर रही है और दिल्ली की जनता का विरोध कर रही है, दिल्ली की जनता बताएगी उनको। बड़ी खबर यूपी से आ रही है। यूपी पीसीएल के पूर्व एमडी एपी मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पीसीएल के पीएफ घोटाले में एपी मिश्रा की भूमिका होने की वजह से ये गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक सुधांशु द्विवेदी और एम्प्लॉयज ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्व एमडी एपी मिश्रा ने अखिलेश यादव पर किताब भी लिखी थी और अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। प्राण की पत्नी है और उनके दिमाग में फ्रॉड वाली ही बातें रहती हैं। एक तपस्वी तेजस्वी योगी का राज यहाँ चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार मुक्त चल रही हैं। प्रियंका गांधी हास्यास्पद हैं, प्रियंका वाड्रा को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो स्वयं उनके पति ने जो गरीबों की ज़मीनें कब्जा की हुई हैं उनको तो इन विषयों पर बोलने कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो पहले अपने पति और उनके भाई और माँ जो नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं पहले उनके बारे में बोले, फिर दूसरे के बारे में बोले।